जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वृंदावन में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ गौरी गोपाल जी के आश्रम में। आप देख सकते हैं मैं जस्ट आश्रम के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, और इन्होंने अपने आश्रम में काफ़ी सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध करा रखी हैं। वृद्ध माताओं और बुज़ुर्ग लोगों के लिए रूम्स वगैरह तैयार कर रखे हैं, उनको रोज डेली खाना और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और इतना ही नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए जितने भी यहाँ पर विजिटर्स आते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी। और लगा दो राधे राधे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरीके के टैग भी लगवा सकते हैं। तो चलिए, इनको पैसे देने के बाद हम चलते हैं अंदर आपको। थैंक यू राधे। तो यह है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का आश्रम, जिसे गौरी गोपाल जी के आश्रम से भी जाना जाता है। आप जब यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको दो बड़े गेट दिखाई देंगे। ये वाला जो गेट है ये जाता है पंडाल की तरफ, जहाँ पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी 2 बजे आकर भागवत अपनी करते हैं, जिसको टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर कोई पाठ चल रहा है क्योंकि अभी सुबह के 11 बजे हैं और 2 बजे से पहले ये सब खत्म हो जाएगा और श्री अनिरुद्ध आचार्य जी आकर यहाँ पर भागवत अपनी शुरू करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, जहाँ पर वृद्ध माताओं को रखा गया है। साथ ही इनकी रसोई भी है, जहाँ पर आपको 24 घंटे फूड प्रोवाइड किया जाएगा। और ये देखिए, मंदिर के बाहर पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, यहाँ पर आपको ठंडा पानी मिलेगा। तो चलिए अभी हम आश्रम के अंदर चलते हैं। लेकिन देखिए, आश्रम को पहचानने के लिए आश्रम के बाहर ही गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम के नाम से बोर्ड भी लगाया गया है। और जो पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसी में ही वृद्ध माताओं को रखा गया है, जिनको उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है या जो बेसहारा हैं। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है अंदर। और ये देखिए, यहाँ पर एक हॉल तैयार किया गया है विजिटर्स के लिए। एसी और पंखों से लैस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये देखिए कितने सारे विजिटर्स यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी खुद यहाँ पर 2 बजे से पहले जितने विजिटर्स आए हुए होते हैं उनसे एक एक करके मिलते हैं, उनकी कोई भी परेशानी हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, आप उनसे मिल सकते हैं, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। और यहीं पर आपको एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य जी यहाँ पर आने से पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही अपने भागवत वगैरह वो शुरू करते हैं। अपने दिन की शुरुआत में यहाँ पूजा अर्चना कर गायों को खाना पीना खिलाकर तब करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वो एक एक करके सबसे मिल रहे हैं, सारे लोग एक एक लाइन में एक एक करके मिलते हुए जाएंगे और आगे निकलते हुए चले जाएंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं, बट भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं वृद्ध माताओं के आश्रम में, यहाँ पर सारी वृद्ध माताओं को रखा गया है। तो जैसे ही आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे, आपके राइट साइड पर ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, आप चाहें तो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि होता है कुछ वृद्ध जो माताएं होती हैं वो सीढ़ियाँ नहीं चल सकती, तो माताओं के लिए लिफ्ट का भी अरेंजमेंट यहाँ पर करवाया है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने। चलिए अब देखें, आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर रखी गई है। जितने विजिटर्स आते हैं तो इन वृद्ध माताओं से मिलने भी जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग मिलकर भी आ रहे हैं। यही वो रूम है जहाँ पर वृद्ध माताओं को रखा गया है। और ये जो गैलरी आपको दिखाई दे रही है, इसी गैलरी में सारे रूम्स बने हुए हैं, ऐसे फ्लोर एक ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, वृद्ध माताएँ कंफर्टेबल शायद नहीं थी, इसीलिए तो हमें नीचे आना पड़ा। और अभी हम चलते हैं इनकी रसोई की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे, ये देखिए इस लाइन में नीचे की तरफ आपको कुछ लोग लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जाता है इनकी रसोई की तरफ रास्ता, यहाँ पर आपको 24 घंटे फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का फूड और किस तरीके से वो लोग सर्व करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो जाली वाला गेट है, इसके अपोजिट साइड में सभी लोग अंदर खाना खा रहे हैं और हम लोग बाहर वेटिंग में खड़े हुए हैं। जब उन लोगों का खाना हो जाएगा तब हम लोगों को बुलाया जाएगा एक एक करके। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ 1-2 मिनट लगता है। और ये देखिए, अंदर जाके आप इस तरीके से खाना खा रहे हैं, इस तरीके से सभी लोग खा रहे हैं, काफ़ी आराम से एक एक करके सभी लोग लेकर अपना खाना खा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर सर्व किया जाएगा, आप अपने प्लेट्स लेकर आएंगे, साइड में ही प्लेट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्व किया जाएगा।
लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जितना भी खाना है आपको उतना ही लें, बिल्कुल भी खाने को वेस्ट ना करें। एक चीज़ का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है। आप चाहे एक बार खाना ले सकते हैं, दो बार तीन बार जितनी बार भी ले सकते हैं, लेकिन खाने को बस वेस्ट नहीं करना। और पानी की व्यवस्था भी देखो यहाँ पर ही अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। देखो किस तरीके से लोग लाइन में पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर है, ठंडा पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से ही साइड में आपसे एक एग्ज़िट एरिया बनाया गया है, आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं अलग से। और ये रास्ता वहाँ की तरफ जाता है, यहाँ पर जो एक हॉल तैयार किया गया था, यहाँ पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी भी रोज़ आकर लोगों से मिलते हैं। आप यहाँ से उस हॉल की तरफ भी जा सकते हैं या एग्ज़िट साइड भी जा सकते हैं। तो यही देखिए, इस सीढ़ियों के राइट साइड पर है एग्ज़िट एरिया ये वाला, और लेफ्ट साइड पर है हॉल वाला एरिया। ये देखिए काफ़ी सारे लोग अभी भी हैं, लेकिन अब अनिरुद्ध आचार्य जी जा चुके हैं क्योंकि 2 बजने वाले हैं और क्या कहते हैं उनकी जो भागवत होती है उसका टाइम होने वाला है। तो अभी उसके लिए वो रेडी होंगे कि वो अपनी भागवत शुरू करेंगे। तो भागवत के लिए रुकने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ की अगर एड्रेस की बात करें तो नियर ये पड़ेगा प्रेम मंदिर के पास में। आप वहाँ पर आकर किसी भी ई रिक्शे वाले से बोल सकते हैं कि हमें श्री गौरी गोपाल जी के आश्रम में जाना है, तो वो आपको ईजिली वहाँ पहुँचा देगा। आई थिंक 20 रुपीज़ वो चार्ज करेगा। ये देखिए, तो चलिए अब तक के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।